हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो एकदम, और होप्स तो बिल्कुल नहीं हारे होंगे आप लोगों ने। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको टैरो रीडिंग्स पसंद है, अगर आपको स्पेशली हिंदी टैरो रीडिंग्स अगर आप समझ पाते हो, अगर आपको पसंद आती है, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो, आई एम वेरी श्योर कि आप कभी पछताओगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा इस चैनल से डेफिनेटली सीखने मिलेगा, काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम कवर करते हैं चैनल पे। तो ज़रूर हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। और मेरे और दो चैनल्स हैं, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं, नीचे लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा एंड उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, हम लोग आज जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं उसी के लिए कम्युनिटी पोल पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे कि आपकी जो लव लाइफ है, आप जिनसे प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में जो भी इस वक्त सिचुएशन है, जो ख़राब सिचुएशन है, वो कब ख़त्म होगी और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के करीब कब आओगे, सब कुछ एकदम स्टेबल कब हो जाएगा, तो बेसिकली आपकी लव लाइफ कब बेहतर होगी, सारे प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगे आपके लव लाइफ से। देखिए, वैसे तो ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है तो हर एक का सिचुएशन चेंज होने में या वो वक्त आने में वो अपना अपना समय लेते हैं, डिवाइन टाइम सबका अलग होता है, तो एक जनरलाइज्ड हम एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे ही साइंस के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आए। पाइल्स आपको दिख रहे होंगे, आपको अपने पार्टनर का जो नाम है उसको उसका इनिशियल देखना है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर का नाम है विजय तो आपको ये वाला पाइल देखना है, अगर आपके पार्टनर का नाम है आकाश तो आपको ये पाइल देखना है। वैसे ही लाइक जिस तरह से जिन जो भी उनका इनिशियल है नाम का, आपको वो पाइल चूज़ करना है। ओके, तो शुरुआत हम फर्स्ट पाइल से करेंगे जिनका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं आपके लव लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो इश्यूज है, कब तक सॉल्व होंगे। हेलो गाइस, जिनका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आप स्पेशली आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कब तक ठीक होंगे, क्या कुछ आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में। शुरुआत करते हैं हमारे चक्र विजडम ओरेकल से। अगर आपको ये ओरेकल खरीदने हैं, चेकआउट करने हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगी। सो कब आप दोनों की ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, कब आप दोनों हंसी खुशी एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। ओके, जो पहला कार्ड हमारे पास है डिसिपेटिंग, सोलमेट, यहाँ पे है इनसिक्योरिटी और यहाँ पे है फसाद। ओके, देखिए अभी तक जो कार्ड्स आए हैं उनसे मैं जो देख पा रही हूँ और कॉम्प्लिकेंसी है यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात मुझे लगता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। पाइल नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है। ओके, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है या आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है जहाँ पर आपको लगने लगा है जैसे प्यार ख़त्म सा हो रहा है, उनका प्यार आपके लिए जो है वो ख़त्म सा हो गया है या हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो एक जो एहसास था, जो फीलिंग्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं, आपको ऐसे लगने लगा है। ओके, जो रिसेंटली हुआ है आप दोनों के बीच में, रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी आपने इस पर्सन के साथ नोटिस किया, आपने जो फील किया, आपको ऐसा लगने लगा जैसे इस पर्सन का प्यार जो है आपके लिए वो ख़त्म सा हो गया। जैसे उड़ जाती है ना कोई चीज़, बस बस ख़त्म सा हो गया, ऐसा आपको फील होने लगा है। और मे बी आपके पर्सन को भी ऐसा फील होने लगा। मुझे ये भी लगता है कि
आप इस रिश्ते को लेकर एक ऐसे मोड़ पे आ गए हो जहाँ पे आपको डर लगने लगा है इनको खोने का, या कभी कभार आपको ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं मैं इनके लिए सही हूँ या नहीं हूँ, या इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों में काफ़ी डेवलप हो गई है ऐसा मुझे दिख रहा है. ओके, खोने का डर, खुद में भी खुद में कुछ आपको ऐसा लगता है कमी है जिसके वजह से आपको डर लगता है आगे बढ़ाना रिश्ता, या उन्हें डर लगता है उनके अंदर में भी इनसिक्योरिटीज़ है कोई जो उनको रोकती है आपसे रिश्ता आगे बढ़ाने नहीं देती है. दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों में ना जो भी सिचुएशन है, जो भी मसले हुए हैं, उसका मेजर जो रीज़न रहा है वो है गलत सोच, या यू नो मिस इन्फॉर्मेशन, या कुछ गलत सुन लेना और उस पर भरोसा कर लेना. वो एक बहुत बड़ा आप दोनों के बीच का ऑब्स्टैकल रहा है आप दोनों के रिश्ते का, जिसके वजह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरी आई है या बदलाव आए हैं. ओके, एंड बट प्यार है. ओके, एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ना इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं. तो सोचना भी एक कदम होता है रिश्ते को ठीक करने के लिए. पहला कदम उसको आइडेंटिफाई करना कि यार गलती है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी बात है. ओके, और एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत है. ओके, तो एक बदलाव निश्चित ही आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, जो काफ़ी अच्छा है आप दोनों के रिश्ते के लिए. ये बदलाव काफ़ी अच्छा है. ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर. हम लोग अभी टैरो कार्ड्स पे मुड़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कब आप दोनों के बीच में सब सिचुएशंस ठीक होंगी, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में. सो चलिए देखते हैं. पहला कार्ड हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि एक जेमिनाई लिब्रा और अक्वेरियस कार्ड है. नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा अक्वेरियस अगेन. नेक्स्ट यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड. नेक्स्ट है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल कार्ड. आखिरी जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, जो कि एक लियो वाला कार्ड है. ओके, और बॉटम डेक में जस्टिस. सी, जस्टिस तो डेफिनेटली मिलेगा, लीब्रा एनर्जी है. देखिए पहली बात तो मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे दूर हो अपने पार्टनर से, दूर दूर रहते हो, दूसरे सिटीज़ में रहते हो, दूसरे स्टेट्स में रहते हो, आप दोनों की कंट्रीज़ अलग अलग है. तो आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस भी है. इमोशनली तो आप दोनों इस वक्त डिस्कनेक्टेड हो ही, लेकिन फिज़िकल भी एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जिसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपके रिश्ते को ख़राब करने में. दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि देखिए, एक चीज़ मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल थी कोई टॉक्सिक सी, जो आपको भी परेशान कर रही थी, आपके पर्सन को भी परेशान कर रही थी, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी. ओके, और आप उससे बाहर निकल आओगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. कुछ पॉजिटिव फेज़ मुझे शुरू होते हुए दिख रहा है, शुरुआत एक पॉजिटिव फेज़ की मुझे होते हुए दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपके रिश्ते को और बेहतर और ब्यूटिफुल बनाएगा. दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में डेफिनेटली अभी दूरियां है, सेपरेशन है. ओके, और ये सेपरेशन ना तो आपके लिए यू नो इतना अच्छा रहा है, ना तो आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि मुझे दोनों भी खुश नहीं दिख रहे हो, दोनों भी बहुत पेन में हो, दोनों भी अभी भी मिस कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों भी अभी भी एक दूसरे के फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा अटके पड़े हो, कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है. भले फिज़िकली आप दोनों दूर हो गए हो, लेकिन इमोशनली अभी भी एक दूसरे पे ही अटके हुए हो, दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत मायूस हो गए हो, बहुत परेशान हो, आई थिंक यू शुड टेक अ शॉर्ट ट्रिप, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए. अच्छा समय घर पे ही अगर बिता सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि सिचुएशंस अभी ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाहर जाइए घूमने के लिए. लेकिन अगर आप यू नो बड़ी सेफ्टी के साथ अपने फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो, प्लीज़ जाइए, अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि आप इमोशनली मुझे काफ़ी हर्ट दिख रहे हो, काफ़ी पेन में दिख रहे हो.
एंड इस वक्त आपके लिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना, अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो टेक योर टाइम ऑफ, अपने आप को वक्त दीजिए, कुछ ऐसा करिए जो आपको हैप्पी करे, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगता है. दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे मेजर जो आप दोनों के बीच में इशूज़ दिख रहे हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना. हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको हमेशा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है. ओके, ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हमें लव रिलेशनशिप्स या जो हमारे रिश्ते बनते हैं किसी के साथ, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उस रिश्ते ने हमारे दोस्त की तरह होना चाहिए. उसने हमें फ्रीडम देना चाहिए, उसने हमें ट्रस्ट करना चाहिए. ओके, बट अगर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाए, बहुत कंट्रोलिंग हो जाए, अगर उस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज जनरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा शक कर, बेवजह का शक, कुछ कर भी नहीं रहे हो आप, बट सामने वाला इंसान अगर आप पे शक कर रहा है, आपको दबा के रख रहा है, कंट्रोल रख रहा है, या आप पे विश्वास नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है वो रिश्ता फिर आगे नहीं बढ़ पाता है ना. आपके केस में मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आप पे अच्छे से यू नो विश्वास नहीं रखा है. ओके, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया है बहुत ज़्यादा, हमेशा जाना आना जाना आना, फॉर यू नो बहुत कन्वीनियंटली वो अपनी तरफ से उन्होंने रिश्ते को मैनिपुलेट किया, तोड़ा मरोड़ा है. एंड मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही हमारी जस्टिस की है. आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि फोर ऑफ वांड्स भी है. डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो इस रिश्ते में होना ज़रूरी है, वो होगा. और मुझे जो मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, जब तक आपको रुकना है अपने रिश्ते में सुधार आने को के लिए, वो चार मंथ्स, और चार मंथ्स आपको थोड़ा वेट करना है. नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि नवंबर या नवंबर मंथ में, या तो उसके बाद आप देखोगे आपका रिश्ता बेटर हुआ है, आपका रिश्ता हील हुआ है, उसमें स्टेबिलिटी आई है, कमिटमेंट दे रहे हैं आपके पार्टनर, अच्छे से यू नो सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में. सो होगा, आपको वो जो चीज़ चाहिए इस पर्सन से वो मिलेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. अगर आपके लिए वो अभी मुश्किल है पेशेंस रखना, बट देर इज़ नो चॉइस, आपके पास अभी कोई चॉइस नहीं है. आप मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, विजुलाइज करिए, यू नो अपने आप से भी अच्छा बोलिए. अगर आप सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव करते हो रिश्ते को लेकर कि यार वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही करता है, वो तो लायक ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सच्चाई मत देखिए, डेफिनेटली आपको रियलिटी देखनी चाहिए, बट चीज़ों को आप अगर खुद ही खराब अफर्मेशंस देते हो, उसको अफर्मेशंस भी नहीं कह सकते, अगर आप ख़राब बातें कहते हो रिश्ते के लिए अपने और अपने पार्टनर के लिए, तो फिर आप रियलिटी में वही देखना शुरू कर दोगे. ओके, सो दूसरी चीज़, मुझे लगता है आपके पर्सन इस रिश्ते को संभालेंगे डेफिनेटली. जैसे मैंने कहा, नवंबर मंथ में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही है. वो आपको प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, और फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में. जो आप ढूंढ रहे हो या जो आप चाहते हो फाइनली आपको मिलेगा. ओके, बट अगर ये आप हो जो इनसिक्योर रहते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपना जो बिहेवियर है वो बदलना चाहिए. जैसे मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ, आपके बारे में भी लागू हो सकती है ये बातें. कई बार हम दूसरों के दोष देख सकते हैं लेकिन खुद के दोष नहीं देख पाते हैं. सो अगर कोई दिखा रहा है हमें हमारे दोष, तो डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए. आगे बढ़ते और देखते हैं, तीन कार्ड्स निकालूंगी मैं कि आगे क्या होगा आपके रिश्ते में. मुझे ना आपके पर्सन के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है आपको खोने का, या आपसे बात करने का, कोई भी हो, लेकिन वो डरे हुए हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं. मे बी आपको दिखा रहे हैं आई एम ओके, बट डरे हुए हैं. एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि एरीज, लियो, सैगिटेरियस है. नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, और लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा. रिश्ता एक सही राह पे चल पड़ेगा. कैंसर एनर्जी है, जो सही रास्ता आप चाह रहे हो कि रिश्ता ले या मोड़ ले आपका रिश्ता, डायरेक्शन जो आप चाहते हो रिश्ता ले, वो लेने वाला है डेफिनेटली. आपके बीच की क्वालिटी, आपके बीच के रिश्ते की
क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आप दोनों जो बात करोगे वो भी, मुझे लगता है आपके पर्सन अगर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे आपसे तो वो बात करना शुरू कर देंगे। किसी किसी के लिए तो ये अगस्त में ही होगा या जुलाई एंड होने से आज पहले ही हो जाएगा। पहले बात तो आप दोनों के कम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार आएगी। अगर वो इनकंसिस्टेंट थे या अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन एक बहुत नेगेटिव दौर, नेगेटिव स्टेट की तरफ चला जाता था, बहुत लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती थी, तो पहली बात तो आप दोनों का कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज़, इक्वल गिव एंड टेक होने लगेगा, वो आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, वो आप उनको इंपॉर्टेंस देने लगोगे, और एक स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिश्ते में। भले ही वो देर से आए, जैसे मैंने कहा 4-5 महीने और लगेंगे, पेशेंस रखना होगा आपको, बट जो आप जिस तरह का ऑफर चाहते हो इस पर्सन से, जिस तरह का प्यार चाहते हो, जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो, वो डेफिनेटली होगा। ओके, और आपका रिश्ता एक सही राह पकड़ेगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये जो चैरियट एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर साई बाबा डेक से भी देखेंगे आपके लिए एडवाइस, जनरल एडवाइस आपके लिए। पहला जो कार्ड हमारे पास है वो है हार्टेक एंड लॉस। तो इस वक्त आई थिंक आप बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा है, आपकी आप डिसअपॉइंट किए गए हो, आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ सही नहीं लग रहा है या कुछ सही नहीं हो पा रहा है। बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि ये कुछ ही समय का कुछ ही समय तक आपको फील होगा, अपने आप को आपको हील करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ लव भी ज़रूरी है। सामने वाले पर्सन से तो आप प्यार कर पाओगे, लेकिन वो कब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस, नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं और कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है डेस्टिनी। तो देखिए, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि डेस्टिनी में जो होता है वो हमें मिलता ही है, और आपके डेस्टिनी में ये इंसान है। ओके, अगर ये आपके लिए अच्छे है, डेफिनेटली ये आपके डेस्टिनी में है और ये आपको मिलेंगे ही। डेस्टिनी से कोई हार नहीं सकता या डेस्टिनी को कोई बाईपास नहीं कर सकता। आपके डेस्टिनी अगर ये पर्सन है तो वो आपको मिलेंगे ही। तो चीज़ें जो डेस्टिनी में है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास आपके लिए एडवाइस के तौर पे जो है वो है रेस्ट एंड रीजेन्यूएट। तो नंबर 10 था, यहाँ पे नंबर 4 है। देखिए, इस वक्त जैसे मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आपको इस वक्त ज़रूरी है हीलिंग की। अपने आप को हील कीजिए, हमारे वीडियोज़ देखिए। कल मैंने जो लव लेटर रीडिंग किया था, स्पेशली अगर आपको अपना रिश्ता हील करना है, डेफिनेटली कल का वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर तभी निकाल पाओगे जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। ओके, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। वर्क ऑन योर चक्रास, बैलेंस करिए अपने आप को। ओके, और आपके लिए यूनिवर्स मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको। फर्स्ट है यहाँ पे रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स। देखिए, कई बार हमारे लाइफ में कई ऐसे रिश्ते होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, कहीं किसी किसी से ऐसे अटैच्ड होते हैं हम, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्हें आपको रिलीज़ कर देना है। नेक्स्ट है सेकेंड वेज और चांसेस। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलेगा या दूसरा रास्ता होगा इस रिश्ते को ठीक करने का, बट आपको उसको ढूंढना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है रिलीजिंग टॉक्सिसिटी। सो रिश्ते में अगर कोई टॉक्सिसिटी है, लाइक कोडिपेंडेंसी है, अब्यूजिव हो गया है रिश्ता, या बहुत ज़्यादा पैटर्न बहुत रिपीट हो रहा है अपने आप, तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, नेक्स्ट है टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो मुझे डेफिनेटली लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं अपने हेल्थ की, या कोई हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए, उसकी प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। और न्यू जर्नी, तो आपके रिश्ते में बहुत ही जल्द एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, आपको उसके लिए रेडी रहना है इमोशनली। आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। तो आपके जो लवर है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे। नेक्स्ट है ये वक्त भी निकल जाएगा। तो जो आप दोनों के बीच की ये सिचुएशन है वो भी ठीक हो जाएगी और ये वक्त भी निकल जाएगा। और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए जो मैसेज है वो है तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। सो वो जो आपके साथ जो रिश्ता है ना, उसको समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा गहरा है।
ये दूरी कुछ पल की है. सो आई टोल्ड यू, जो भी आप दोनों के बीच में इंडिफरेंसेस है, दूरियां है, परेशानियां है, बस बस कुछ समय के लिए ही है. सो या दैट वाज इट जिन्होंने ये ओके. तो साई बाबा डेक से हम भूल ही गए मैसेज लेना. तो एक जनरल लाइफ के लिए आपके लिए एडवाइस निकालते हैं साई बाबा डेक से. ओम साई राम, आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस निकले, अच्छा एडवाइस निकले. एक ही कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं. सैडनेस एंड ग्लैडनेस. तो सैडनेस और ग्लैडनेस मतलब जब हम यू नो दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, ये दो साइड होते हैं एक ही कॉइन के. तो हमेशा साईं बाबा कह रहे हैं आपको याद रखना है कि दुख और सुख ये एक ही कॉइन के दो साइड्स है. अगर कभी सुख आ रहा है तो कभी दुख भी आएगा, अगर दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा. कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये याद रखिएगा. ओके, सो आई होप जिनका ग्रुप नंबर था 1 A to M आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ एडवाइस मिली हो. और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट सारे ही लोगों को जो ग्रुप नंबर A में फॉल आउट करते हैं. डेफिनेटली आपके लिए आपका रिश्ता बेटर हो, हेल्दी हो, इम्प्रूव करे, सारा प्यार, सारी अटेंशन, केयर जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिले, और आप में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, पॉजिटिविटी भर जाए, हील हो जाओ आप, और आपका रिश्ता भी आप हील कर पाओ. सो या दैट वॉज इट. रीडिंग अगर पसंद आई है आपको, डेफिनेटली लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिनका नाम, जिनके पर्सन का नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में. ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है वो कब तक पूरी ख़त्म हो जाएगी, और कब एक ब्यूटीफुल रिश्ता आप का अनुभव आप कर पाओगे, इसी के ऊपर ये रीडिंग है. अगर रीडिंग आपको पसंद आती है एक लाइक चिपकाइएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो. चलिए फोकस अपने पर्सन पे करिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो. फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो. सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा ताकि नए नए वीडियो आपको मिले. चलिए देखते हैं जिनका, जिनके पर्सन का नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, और आप दोनों का रिश्ता आखिर कब ठीक होगा, सब प्रॉब्लम्स कब फाइनली चले जाएंगे आप दोनों के रिश्ते से. सो पहला कार्ड हमारे पास है 180. नेक्स्ट जो है वो है डिस्पोंडेंस. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉम्प्लिकेंसी. और आखिरी कार्ड जो हमारे पास है वो है एक्सपेंशन. ओके, और इस वक्त जो बॉटम में है वो है इनसिक्योरिटी. ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में जितनी प्रॉब्लम्स आई है ना अभी तक, वो मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स का. हो सकता है आप इनसिक्योर रहे हो या वो इनसिक्योर रहे हो, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में. और यू नो दूसरों को खुश करने के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए काफ़ी बार आप हर्ट हो चुके, हर्ट किए गए हो अपने पर्सन की तरफ से. ये भी एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ जो बहुत बड़ा रीज़न रही है आप दोनों को यू नो दूर करने के पीछे, या जो भी प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको बहुत बार हर्ट किया गया है. मे बी आपके पर्सन ने उनके फैमिली के लिए आपको हर्ट किया है, या उनके फ्रेंड्स के लिए, या उनके करियर के लिए, या बेसिकली कभी भी उन्होंने 100% इन्वेस्ट नहीं किया इस रिश्ते में, कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझी है. बट मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है आपके लिए वो बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा मुझे लगता है गहरा होते जा रहा है आप दोनों का रिश्ता, और ज़्यादा उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए प्यार भरता जा रहा है. ओके, तो ये घबराने की बात नहीं है क्योंकि पता नहीं आपके पर्सन अभी आपसे प्यार करते हैं या नहीं, बट क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दिन ब दिन उनका प्यार बढ़ता जा रहा है.
ओके, तो सच्चा प्यार करते हैं आपके पर्सन। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अब वो सोच रहे हैं, अब वो एक डीप थॉट में जा चुके हैं और सोच रहे हैं कि क्या गलत हुआ है या कैसी चीज़ें हो सकती थी और क्या हो गई है, और उन्हें ये चीज़ भी समझ में आ रही है। और ये सब कब हुआ? जब उन्होंने अपने आप से निकल के इस रिश्ते को और आपको एक थर्ड पर्सन की तरह देखना शुरू कर दिया, तब उन्हें समझ में आई चीज़ें कि कौन गलत है, कैसे गलत है, किसे क्या करना चाहिए था, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो उन्हें बेसिकली अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो समझ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और देखिए, ट्रस्ट इश्यूज अगर थे आप दोनों के बीच में, या फिर आपके साइड से थे या उनके साइड से थे या दोनों के साइड से थे, वो भी मुझे लगता है वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके, तो आपको बस इस रिश्ते को प्यार से सजाना है, प्यार से देखना है, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है बेसिकली आपको इस रिश्ते से, या दूर नहीं भागना है, क्योंकि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिश्ता ठीक करना, नॉट जस्ट एक की बट दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपके पर्सन बेसिकली बहुत अच्छे हैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी काफ़ी अच्छे हैं, वो अच्छी बुरे की काफ़ी समझ है उन्हें, अगर वो कुछ गलत भी करते हैं दे अंडरस्टैंड, दे नो वाई, यू नो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा, उन्हें बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाने की उन्हें ज़रूरत है, बाकी दे आर वेरी गुड एज अ पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं, 10 of Swords, ये जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, डेथ है स्कॉर्पियो, नेक्स्ट है यहाँ पे 6 of Cups, 7 of Chariot, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज भी था यहाँ पे, 7 of Pentacles है, एंड आखिर में ये जो कार्ड है वो है 6 of Swords, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एंड बॉटम डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो बेसिकली आप एरीज लियो सैगिटेरियस है, बेसिकली आप जिनसे डील कर रहे हो ना, उनका एक प्रॉब्लम है कि आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी नॉन कमिटल, ना तो इसके पहले उन्होंने वो किसी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहाँ पे उन्हें समझे कि रिश्ता कैसे निभाना है, क्या ज़रूरी होता है रिश्ते में, कैसे निभाना ज़रूरी है रिश्ते को। मुझे लगता है वो पर्सन किसी भी ऐसे रिश्ते में कभी इसके पहले रहे नहीं हैं जहाँ पे इतनी इंटेंसिटी हाई रही है प्यार की और रिश्ते की, सो उसके वजह से भी इस पर्सन को मे बी लगता हो कि यू नो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मे बी ऐसे रिश्ते यू नो कुछ तो यहाँ पे गलत है, कुछ तो यहाँ पे गलत है। और जब वो ऐसा सोचते तो सच में रिश्ता ख़राब हो जाता है और गलत हो जाता है रिश्ते में। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों बिल्कुल भी सेपरेशन में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या दूर दूर हो, मे बी वो आपको छोड़ के चले गए हैं फिजिकली या जैसे भी, मुझे लगता है वो आपसे दूर है इस वक्त, और बिल्कुल भी मुझे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं दिख रहे हो। ओके, काफ़ी दूर दूर दिख रहे हो, दूरियां है आप दोनों के बीच में, एंड ये दूरियां दोनों को ही इतनी अच्छी नहीं लग रही है, दोनों भी हर्ट हो, आपके पर्सन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ओके, वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो इस पेन को सह नहीं पा रहे हैं, वो इस दूरी को सह नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुआ है रिसेंट पास्ट में। बट एक बात, अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। और मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता ना अभी से 6 महीने बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सुधार उसमें आते हुए दिख रहे हैं। अभी मंथ है जुलाई, राइट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी पकड़ लीजिए, आपके रिश्ते में काफ़ी अच्छे सुधार आपको देखने मिलेंगे। वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, अपने प्रोमिसज़ निभाएंगे, कमिटमेंट भी दे सकते हैं, बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा वक्त के साथ और ज़्यादा उनका प्यार बढ़ता जाएगा, एंड वो खुद यू नो इंटरेस्ट दिखाना, प्यार जताना, फीलिंग्स शो करना शुरू कर देंगे। और मुझे आप दोनों के रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी शुरू होते हुए दिख रही है इस दिसंबर में या आने वाले साल के जनवरी में, ठीक है। और जितना दुखी आपको इस पर्सन के सेपरेशन ने किया है, इनके बिहेवियर ने किया है, उतना ही सुख आपको तब मिलेगा जब आप इस पर्सन के साथ जुड़ जाओगे और वापस आपका लव स्टोरी इनके साथ शुरू हो जाएगी।
एक रीयूनियंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं, एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेशन ऑफ लव, लाइक शुरुआती एक शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है दिसंबर या जनवरी में. सो तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. ओके, देखिए ये पर्सन आपसे दूर गए या आप उनसे दूर गए, बट आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को भूले नहीं हो. आप दोनों प्यार दिल में आप दोनों के रहा है हमेशा से ही. भले आप दोनों ने उसको जताना या एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है वो दूसरी बात है, लेकिन प्यार डेफिनेटली अभी भी करते हो आप एक दूसरे से. एंड आप दोनों के रिश्ते का एक और भी मुझे इशू लग रहा है कि इनफ एफर्ट्स ना डालना. आपके पर्सन ने शायद ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले इस रिश्ते में और वो जानते हैं, यू नो, और वक्त के साथ और उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार जितना मुझे करना चाहिए मैंने उतना किया नहीं है. ओके, क्योंकि उन्हें मे बी गलत फहमी थी कि मैंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, यू नो आई कॉन्ट डू मच, मैं और नहीं कर सकता. बट उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है क्लियरली स्पीकिंग. एंड एक सही रास्ता डेफिनेटली मिलेगा आप दोनों के रिश्ते को, और मुझे लगता है एक बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप दोनों आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ, और आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू या एक दूसरे की ज़िंदगी में होने की वैल्यू समझेगी विद टाइम. ओके, तो आपके पर्सन बहुत चार्ज्ड अप होने वाले हैं और वापस यू नो जिम्मा लेंगे इस रिश्ते को ठीक करने का, आपके साथ वापस आने का और एक यू नो एक शुरुआत बेसिकली करने की. सो या दिसंबर जनवरी मंथ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे आप अपने रिश्ते में. चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है. इसके बाद साई बाबा डेक से भी एडवाइस कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है जानना समझना. पहला कार्ड आपके लिए है स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7. तो कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है आप, क्योंकि मुझे लगता है आप सही रहे हो. कभी भी आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिससे कि आपको अपना यू नो आपने अपनी साइड से 100% या उससे बल्कि ज़्यादा ही दिया है. तो आप फर्म रहिए, आप गिव अप मत कीजिए, वीक मत पड़िए और नीडी मत बनिए, पुश मत करिए ज़्यादा सिचुएशन को. नेचुरली होने दीजिए जो हो रहा है, सही समय पे सही चीज़ें होंगी और आपको गिव अप नहीं करना है. ठीक है, जो भी सिचुएशन में आप हो डोंट गिव अप. नेक्स्ट यहाँ पे है डेस्टिनी. तो आपको डेस्टिनी को एम्ब्रेस करना है कि डेस्टिनी में जो है वो मिलेगा, और अगर डेस्टिनी में नहीं है वो चीज़ नहीं मिलेगी चाहे आप कुछ भी कर लो. नंबर 10 है तो नंबर 1 भी हो सकता है. आपके डेस्टिनी में ये पर्सन है और आपको वो मिल के रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, सो यू बोथ आर ईच अदर्स डेस्टिनी. एंड जो लास्ट कार्ड है वो है नंबर 12. तो देखिए मुझे लगता है कई बार हमें रिश्तों के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ऐसा हमें लगता है. वी थिंक दैट रिश्ते में अगर सैक्रिफाइस ना हो तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं टिकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड वापस आपके अंदर जो यू नो एक जो इच्छा होती है ना हमारी, जो सिचुएशन ख़राब सिचुएशन की वजह से मर जाती है, पैशन जो है वो बुझ जाता है, प्यार जो है वो ख़त्म नहीं कह सकते लेकिन एक उसको दिखाने का जो इच्छा होता है वो मर जाता है, वो फिर से शुरुआत उसकी होगी. पैशन इग्नाइट होगा आप दोनों के रिश्ते में और ब्यूटिफुली आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे. तो आपको गिव अप नहीं करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे. हीलिंग, तो आपके लिए भी हीलिंग बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए. और हीलिंग, जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, दूसरों के लिए अच्छी बात कहते हैं, हमारे पार्टनर के लिए, हमारे रिश्ते के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं अपने अंदर, तभी हमारी हीलिंग होती है. आप अगर मेरा कल का वीडियो अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया, डेफिनेटली वो वीडियो देखिए, काफ़ी हीलिंग आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा. ओके, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें जब सुनोगे, जब उसको फील करोगे, तभी वो असलियत बनेगी आपकी. इसी को तो हम मैनिफेस्टेशन या विजुलाइजेशन कहते हैं, राइट. सो या नेक्स्ट आपके लिए है पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड. देखिए कई बार हम बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंट रहते हैं, बट हमें लगता है कि कितना वेट करें, कितना पेशेंस रखें. तो हमें पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हमें एक ना एक दिन उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, और आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करने का वक्त आ चुका है. बहुत ही जल्द आपका पेशेंस जो आपने रखा, आपने उम्मीद रखी, हिम्मत रखी, होप रखे, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा. स्टेबल रिलेशनशिप, देखिए इसी के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं और यही आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका रिश्ता बहुत ही जल्द स्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट आपके लिए जो है स्ट्रेंथ
टू वॉक अवे। तो अगर आपको लगता है, देखिए अभी 100 लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं इस ग्रुप की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना 100 के 100 लोगों के लिए ये रिश्ता सही है। किसी किसी के लिए मे बी ये टॉक्सिक बन गया हो, मे बी कार्मिक बन गया हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसी तरह से अगर आपको लगता है रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है एज अ पर्सन, तो प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम दैट। ओके, अपनी हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़ जाइए। फिर से स्टेबल रिलेशनशिप ही आया है तो उसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज है वो है रिलीजिंग टॉक्सिसिटी। तो देखिए, टॉक्सिसिटी रिलीज़ तो आपके रिश्ते से हो रही है धीरे धीरे, बट अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसा एरिया था जहाँ पे आपको लगता था कि यहाँ से ये सिचुएशन, यू नो, ये टॉक्सिसिटी यहाँ पे भर गई है, वो ठीक होगी, एंड समवन इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू यू, तो हो सकता है आपके रिश्ते में, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मे बी हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, एंड सारी ही चीज़ों पे आपको भरोसा नहीं रखना है। और आगे बढ़ते हैं साई बाबा डेक से। ओम साई राम आपके लिए एक मैसेज देखते हैं, और जनरल मैसेज होगा ओवरऑल आपके लिए, क्या इस वक्त एडवाइस है साई बाबा की तरफ से। सो आपके लिए एडवाइस है डिटैचमेंट, बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। ऐसे लोगों से या ऐसे सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करिए। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम पीपल। डिटैच होना या किसी से दूर जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो या आप उससे भाग रहे हो या लोगों से भाग रहे हो या सिचुएशन से भाग रहे हो। बस उसका कंट्रोल अपने ऊपर आपको आने नहीं देना, ऐसा नहीं होने देना है कि कंट्रोल कर रही है वो चीज़ें या वो सिचुएशन आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। साई बाबा आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है, तुमसे मिलने को बेकरार हूँ मैं। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, दे आर वेरी ईगर टू मीट यू। प्लीज़ शक मत किया करो। तो अगर आप शक करते हो, आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप उन पे शक करो। नेक्स्ट है, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तो अगर आपको लगता था कि अगर उनको लगता था या आप दोनों को लगता था कि नहीं हो पाएगा, कोई छीन लेगा उनसे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, सो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। बहुत सी बातें उससे शेयर करना चाहते हैं, और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। सो वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर टेरिटोरियल है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, एंड दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। वो नहीं देख सकते आपको। सो दैट वाज इट। जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, जिनके पार्टनर का नाम आपका नहीं, आपके पार्टनर का नाम, तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको? क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, क्या चीज़ें रेजोनेट नहीं हुई है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी अच्छी बातें ही कहिएगा तो फिर अच्छा होगा, और लाइक चिपका के जाइएगा। और फर्स्ट टाइम आए हो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली में, जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और पॉजिटिव और होप्स बिल्कुल भी नहीं हारने हैं, पॉजिटिव रहना है, होप्स नहीं हारने हैं आपको। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।